ट्रिपल तलाक बिल भले ही लागू हो गया हो, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से सामने आया है, जहां महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। देश भर में तीन तलाक का बिल लागू होने के बावजूद भी लगातार तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। अब तीन तलाक का एक और मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आया है। यहां लाडवा कस्बे में एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 5 साल पहले यूपी निवासी मोहम्मद मुकर्रम के साथ हुई थी। दोनों का 3 साल का बेटा भी है। पीड़ित महिला का कहना है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और उसका पति सऊदी अरब जाने की जिद करने लगा। क्या मामला था आपकी शादी का? तलाक का कारण क्या बना? उन्हें 16 लाख रुपए चाहिए। 16 लाख रुपए दे दो तो वो रखने के लिए तैयार, वरना फिर मैंने मना किया कि मेरे पास नहीं है 16 लाख रुपए। तो फिर उन्होंने गुस्से में मेरे को मारा पहले, और फिर मेरे को 3 तलाक बोला कि अब तो मेरी बीवी नहीं रही। मैंने कहा क्यों? कहते मैं ये तो बोल रहा हूँ ना तेरे को तलाक तलाक तलाक, तो अब मतलब कि हमारे धर्म के हिसाब से मुसलमानों के कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब रमजान में मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, रमजान के इतने पाक महीने में, और मेरा फ्लैट भी बेच दिया। अभी मेरे को नहीं पता कि कितने पैसे लिए उन्होंने प्लाट के भी। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि बाकी रहता है कुछ नहीं रहता, ये सारे लेके चले गए। मेरा सारा जेवर सारा कुछ सब ले गए, मेरे को किसी उसके लिए छोड़ दी। 3 तलाक जो है वो सरकार ने कानून पारित किया है, जिसे गैर कानूनी माना गया। आपने इसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए हर रोज नए कानून ला रहे हैं, उनको उनके अधिकारों का ज्ञान करवा रहे हैं, वहीं आज भी इन जैसी कुछ महिलाएं जुल्म का शिकार हो रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़िता अपने ससुराल में रह रही थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ थोड़े दिनों के बाद हैवानियत का खेल खेला जाएगा और उसकी पूरी दुनिया जो उसने सजाई है उसकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। इस मामले में तो उसका पति उसको छोड़कर पहले सऊदी अरब चला गया, और जब वहाँ से वापस आया तो किसी न किसी बात को लेकर वो उसको तंग करने लगा और उससे 16 लाख रुपए की राशि की मांग करने लगा। पीड़िता ने बताया कि वो एक गरीब परिवार से है, जिसके चलते उसने इस मामले की भनक भी अपने परिवार को नहीं लगने दी और चुपचाप ससुराल पक्ष के जुल्म सहन करती रही। पर हद तो तब हो गई जब उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पहले तो उसके पति ने उसे वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, और उसने जब अपने पति की बात नहीं मानी तो उसका ससुर और घर के दूसरे लोग उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। जब मैं घर से 16 लाख लेने के लिए आई मैंने नहीं बताया मैं 16 लाख, क्योंकि मेरे को पता था कि घर पे है ही नहीं 16 लाख। अगर 16 लाख होते ही अपने घर में सुधार कर लें तो इसलिए आई नहीं। उन्होंने फिर मेरे को मारा, बहुत मारा मेरे को, और फिर कहने लगे कि जब तू 16 लाख नहीं लाती तो जो ये मैं आदमी लाता हूँ इनके साथ में मैं धंधा कर और मेरे को फिर पैसा कमा के दे। मेरे को तो पैसे चाहिए, चाहे कुछ ही कर।
और फिर मैंने इस बात से भी मना करा। मैंने कहा इनके बाप ने भी और मेरे जेठ ने भी मेरे को बोला कि मेरा लड़का नहीं रखेगा, ना मेरा भाई रखेगा तेरे को, और हम रखेंगे तेरे को, और देखे तू कैसे नहीं करती है काम। और मेरे को बहुत मारा, रोज मेरे को मारते थे इस बात के लिए कि क्यों नहीं राजी होती तू। मैं तो बहुत बदतमीजी हुई। मेरे ससुर ने सारे कपड़े निकाल दिए थे लेकिन किया नहीं मैं देखे। फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया था, अंदर चली गई थी मैं कमरे में। मैंने अपनी जान बहुत मुश्किलों बचाई। नहीं सर, मेरे को उनका साथ ही नहीं रखना। जो इंसान इंसान नहीं समझता, अपनी बीवी की कदर नहीं करता, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अभी कहाँ जाने की फिलहाल में? वह जाना चाह रहे हैं उन्हें। मैं ये चाह रही हूँ कि सरकार जल्दी से कदम उठाए, उन्हें पकड़े। पति ने उससे कहा कि उसके सऊदी अरब जाने के लिए वो 16 लाख रुपए का इंतजाम करे और ऐसा न करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। जब वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई तो उसका पति 3 बार तलाक बोलकर और जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चला गया। कह रहा था मैं मकान जब बढ़ाऊंगा, जब तेरी माँ मुझे 16 लाख रुपए दे उसके बाद मुझे पैसे दे, या तो पैसे ला अन्य तू धंधा कर। अगर जो कहती मैं पार्लर का काम कर रही, मुझे पूरा काम करने दे, मेरा भाई सामान दे देगा लेके मुझे, तो उससे नु कहता जब करिए वो काम जब मैं पाई जो जो। पीड़िता ने कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और वो अब अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रह रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बिजनौर शादीशुदा थी जिसने अपने पति ससुर व सास व जेठानी के खिलाफ दरखास्त दी है और ये कहा कि मेरे साथ मार पिटाई और दहेज मांगना, और उस लड़के ने 3 बार कह दिया तलाक तलाक, जिस पर एसपी साहब को दरखास्त दी। एसपी साहब की डायरेक्शन पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और 498, 323, 506 और 3 व 4 जो नया एक्ट बढ़ा मुस्लिम वुमेन एक्ट, उसके तहत का दर्ज मुकदमा किया। अब पीड़िता 3 तलाक का बोझ अपने कंधे पर उठाए और 3 साल के मासूम को साथ लिए कानून से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है।